जर्रे तो लेके सूरज तक, कीड़ी तो लेके हाथी तक ओही विराजमान। वो कीड़ी दे च भी है, हाथी दे च भी है, वो जर्रे दे च भी है, वो सूरज दे च भी है। अस्थि कीटी त्रिलो आदंग, एक अखंडत बसे अनादंग। वो ऐसा है, पूरे आया अपने कृत देच, हो रहा है। उदे स्वभाव देच भय नहीं है, वैर नहीं है। मनुख दी पहचान एक ते रूप तो होंदी है, एक उसदे स्वभाव तो होंदी है। हो सकता है रूप बड़ा सुंदर होवे, स्वभाव बड़ा भैड़ा होवे। हो सकता है स्वभाव बड़ा चंगा होवे, रूप बड़ा भैड़ा होवे, क्रूप होवे, चंगा ना लगे। अष्टावक्र, लत्तां भी टेढ़ियां, बांवां भी टेढ़ियां, कमर भी टेढ़ी, गर्दन भी, अठ थां तो शरीर विच बल करो। उस जमाने विच दुनिया का सब तो करूप मनुख अष्टावक्र, पर उस जमाने का मन करके स्वभाव करके सब तो सुंदर मनुख अष्टावक्र। तन करके बदसूरत है, मन करके खूबसूरत है, स्वभाव चंगा है। तो एक बंदे की पहचान आती है उसके रूप तो, दूजी पहचान आती है उसके स्वभाव तो। परमात्मा का स्वरूप वो एक है, उस तो उत्पत्ति पालना नाश हो रही है, जो कुछ हो रहा है उसे तो हो रहा है। वो सदीवी है, कायम दायम है, करता अपने कृत दे च पूरे होया। उदे स्वभाव दे च भय नहीं है, वैर नहीं है, निर्वैर है, निर्भय है। उदे अंदर भय नहीं है, वैर नहीं है। जिथे उदे स्वभाव दे च भय नहीं है, वैर नहीं है, उत्थे उसदे स्वभाव दे च उदी होंद दे च समा भी नहीं है, वक्त भी नहीं है। इसनों मैं खोला तो मंगलाचरण मूल मंत्र दे ची समा लग जाएगा, उदे समा भी नहीं है। परमात्मा समा नहीं है, अकाल काल समय नू कहंदे, वक्त नू कहंदे। एक निक्का जिहा नुक्ता, तन नू भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिए है, जगह चाहिए है। जगह ही नहीं है, मनुख कित्थे बैठेगा, जगह ही नहीं है कित्थे काम करेगा, जगह ही नहीं है किवें भजेगा दौड़ेगा। तन भजदा दौड़दा उठदा बैठदा काम करदा स्थान विच, मन भजदा समय विच, इहनूं स्थान की लोड़ नहीं है। इत्थे बैठिया बैठिया भी मन दौड़ रहा है। मन समय विच दौड़दा है, किहड़े समय विच दौड़दा है? गुजरे हुए समय दीआं यादां च चला जांदा है, आने वाले समय की चिंता चला जांदा है। मनुख कदी चिंता च बैठा हुंदा, कदी यादां विच डुबिया बैठा। गुजरे समय दीआं यादां दा सिर ते बोझ, आने वाले समय की चिंता दा बोझ, किसे वक्त फिर खुलासा। परमात्मा वो समय विच उत्थे समा ही नहीं है, समय परमात्मा करके है, समय करके परमात्मा नहीं, असी समय करके हाँ। सानू समय ने बनाया, सिर्फ समय ने बनाया ही नहीं, काल ने बनाया नहीं। सानू काल खा भी जाएगा, समा खा भी जाएगा। काल पाए ब्रह्मा बपदरा, काल पाए शूजू अवतरा, काल पाए कर विसन प्रगासा, सकल काल का किया तुमा सारा आकार, ते संसार काल दा तमाशा है, समय दा तमाशा है। जो समय च बने है समा मिटा देगा, जो समय दे च आया है समा उसनों रुखसत कर देगा, जो समय दे च बने है समा उसनों मिटा देगा। वो समय करके नहीं है परमात्मा, परमात्मा करके समय। इस वास्ते अकाल कोई ना समझे कल्पना मात्र है, मूर्तिमान है, मूर्त है। कि मूर्त तो मुराद फिर एकदम बन जाए, किसी ने घड़िया होगा, किसी तो जमया होगा। एकदम सतगुरु कहते अजो नहीं, जमया नहीं, अजन्म है, अमरन है, जमया नहीं है। तो फिर कैसे है? सैभं, संस्कृत का शब्द है स्वयं भू, अपने आप तो प्रभू होया, अपने आप तो प्रगट होया। आप ही ने आप साजे हो, आप ही ने रचे हो ना। सैभं
शंभु स्वयंभु पंजाबी रूप सैभं। अपने आप तो आप ही होया है, फिर सारा ज्ञान उसे तो आ रहा है, वो जड़ा एक है वो गुरु है। ज्ञान गुरु है, ज्ञान सारा परमात्मा तो आ रहा है। ज्ञान ही थे गुरु है, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम वे बहुत लगाओ। सब कुछ जिथे परमात्मा तो आया है, ज्ञान भी उसे तो आया है। कोई गैर गंभीर कविता किसी कवि की नहीं आती, परमात्मा की आती है। कवि की पकड़ दे आ गई, उदय पांडे समा गई। कोई ज्ञान मनुख का नहीं आता, सब परमात्मा का। जब कोई कह देता है ज्ञान मेरा है, उसे ज्ञान की सीमा बन जाती है। जब कोई कहता है ज्ञान परमात्मा तो आया, वही असीम हो जाता। गुरु है, प्रसाद दयालु है, बख्शिंद है, रहीम है, रहमान है, बख्शिंद है, करुणाकर है, दयालु है। इथे तक मूल मंत्र मुख्तसर, ते हुण आप शब्द सरवन करो। हां जी, यक अर्ज गुहतम पेश तो दर घोष कुन करता। इस पंक्ति विच अर्जो ही है, बेनती है, सारा शब्द बेनती है, अरदास है। कीती हुई साधना, कीता होया जप तप, वही सफल है जो मनुख नूं अरदास तक लै जाए, बेनती तक लै जाए। कुछ धर्म ते ऐसे ने, जैसे ईसाई, भी चर्च क्यों जा रहे हो? प्रेयर करन जा रहे हैं, अरदास करन जा रहे, सिर्फ अरदास करन जा रहे। साढ़े च ऐसा नहीं, कीर्तन सुनन जा रहे हैं, कथा सुनन जा रहे हैं, गुरु दे दर्शन करन लई जा रहे हैं, सत्संगियां दे दर्शन करन जा रहे हैं, सेवा करन लई जा रहे हैं, पुन करन लई जा रहे हैं। ये सब कुछ कीता होया, पुन सुनिया होया, कीर्तन सुनी हुई कथा, इसका फल की है? अंदरों अरदास का निकलना। वो अरदास फिर व्यर्थ नहीं जाती। बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। ये कदों निकलती है? जप कर करके निकलती है, कीर्तन सुन सुन के निकलती है, कथा सुन सुन के निकलती है, पाठ कर करके निकलती है। उंज नहीं निकलेगी, उंज बथेरी अरदासा आउंदियां ते मनुख कर। कोई रस्मी अरदास, दीवान दी अरदास, दिल दी गहराई चो अरदास निकलती है। जप कर करके, तप कर करके, साधना कर करके, कीर्तन सुन सुन के, कथा सुन सुन के, बाणी पढ़ पढ़ के, पाठ कर करके, उंज अरदास नहीं निकलती दिल दी गहराई च। और जदों ये अरदास निकलती है, फिर व्यर्थ भी नहीं जाती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल दी गहराई चो जिहड़ी अरदास निकली है, खुदा तक पहुंचेगी। इसे नूं गुरबाणी कहती है, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। सारे शब्द विच इक अरदास है। यक अर्ज असी अरदास कहने, परशियन कहने अरजोई करने, अर्ज करने, अर्ज करने, अरजोई है। संस्कृत देच, हिंदी च कहने प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। फारसी च कहने अर्ज करनी है, अरजोई करनी है। गुरु नानक ने एक शब्द नो जन्म देता है, अरदास करनी है। ते अरदास दे जो मैं अर्थ समझे ने ते पढ़े ने, अर्जे दास्त हथ जोड़ के अरजोई करने, दस्त बस्ता हथां नू जोड़ के अरजोई करने, बेनती करनी, प्रार्थना करने। सतगुर कहंदे ने, यक अर्ज इक मेरी अरजोई, इक मेरी प्रार्थना, एक मेरी अरदास। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार। गोश कन्ना नु कहंदे ने, ऐ करतार जे तू कन ला के सुने। मनुख जिथे आउंदा है उत्थे ही उसके कन आउंदे ने। घर विच बैठीए मां ते सानू कुछ सुनाना चाहे, नहीं सुन सकदे क्योंकि असीं जिथे बैठे हैं कन उत्थे ही ने।
जिथों सानू सुनाया जा रहा उत्थे साडे कन कोई नहीं। मनुख जिथे आउंदा है उसदियां इंद्रियां उत्थे ही आउंदियां, उसदी जबान उत्थे ही आउंदी है, उसदियां अखां उत्थे ही आउंदियां। जिथे है उत्थे इत्थे वेख सकदा है, जिथे नहीं है नहीं वेख सकदा, जिथे है सुन सकदा है, जिथे नहीं है नहीं सुन सकदा। मनुख जिथे है उहदे ज्ञान जद व्यापक है तो उहदा सुनना भी व्यापक है, किसे थां भी अरज़ोई कीती जा सकती है किसे थां। परमात्मा व्यापक है, उदा वेखना भी व्यापक है। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। हे प्रभु तू कन कर भाव सुन, हे करतार हे सृष्टि दे रचनहारे, एक अरजोई एक बेनती है। फिर अगलियां पंक्तियां च जिस दे अगों बेनती कर रहे हैं उसकी महिमा बयान कर देना। हां जी हका कबीर करीम तू ऐब पर्वत गवार। परशियन देच अरबी देच सच नू हक कहंदे ने, हक जैसे भाई साहब भाई नंदलाल कहंदे ने हक हक अंदेश, गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश। गुरु गोबिंद सिंह ऐ कलगीधर तुसी ते हक हो, भाव सच हो, हकीकत सच्चाई हक सच। परशियन देच अरबी देच सच लई जेड़ा शब्द है वो है हक। सतगुरु कहिंदे ने हक्का ऐ सच्चे, हक्का ऐ सच्चे, हक्का कबीर। कबीर कहिंदे ने बुजुर्ग नू, वड्डे नू, पुराने नू, पुराणी चीज़ नू कबीर कह देंदे ने। बुजुर्ग बुढ़े मनुख नू भी कबीर कह देंदे ने, संत फकीर नू भी कबीर कह देंदे ने, और परमात्मा नू भी कबीर कहंदे ने। वड्डा बुजुर्ग है कदीमी है। एक कबीर लफ्ज फारसी का भी है और अरबी का भी है। अरबी च भी कबीर कहंदे ने, परशियन च भी कबीर कहंदे ने वड्डे नू। हे हक्का हे सच दे स्वरूप, हे सच्चे हे सब तो वड्डे, हक्का कबीर करीम तो बख्शिंदे तो, तेरे सुभाव विच दया ही दया है, तेरे सुभाव विच रहमत ही रहमत है, बख्शिश ही बख्शिश है। हक्का कबीर करीम तो बेऐद परवरदिगार, ऐ पालन हारे तू निर्विकार है, तेरे च कोई ऐब नहीं, तू निर्विकार है, निर्मल है, अति निर्मल है, अति निर्मल है, निर्विकार है, और सृष्टि का करणहार है। तू हक है, तू कबीर है। इस तरह मेरे पातशाह उस प्रभु की अरदास देच जो है महिमा गायन कर रहे हैं। हाँ जी दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दमी। हे प्रभु मैं ते अपने दिल नो समझाना, ये जगत फानी है, नासवंत है, तू हक्का है, जगत ते झूठ है, छाया है, तू कबीर है, ये सब कुछ ते तुच्छ है, बेमैनी है। दुनिया मुकामे फानी, ये जो टिके होया जगत दिसदा पे है ते मिट जाएगा, ये ते फानी है, नासवंत है। ऐ मेरे दिल तू ऐसा जान, हे प्रभु हे करीम हे हक्का, मैं अपने दिल नो ऐसा समझा रहा, ऐसा कह रहा, सब कुछ नासमंत है। किसी वक्त खुलासा करांगा, धर्म दा प्रभु दा सारा ज्ञान मौत दे ज्ञान तो आरंभ होंदा है। लोभ वासना अहंकार सारा जीवन दी लालसा तो शुरू होंदा है। जितनी जीवन दी लालसा उतना अहंकारी, जितनी जीवन दी लालसा उतना लोभी, जितनी जीवन दी लालसा उतना वासना दे ग्रसिया होया, जितना मौत दा ज्ञान उतना बैरागी, जितना मौत दा ज्ञान उतना सतवादी, जितना मौत दा ज्ञान उतना आत्मदर्शी। धर्म दा ज्ञान शुरू होंदा है मौत दे ज्ञान तो। तो सतगुरु कहंदे ने मैं दिल नूं समझा रहा, सब नासवंत है, सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐ मेरे दिल ये सच करके जान,
ਇਹ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਸੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇਵਲ ਉਸਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਜਾਣ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ, ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮਰਾਜ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਅਜਰਾਇਲ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜਰਾਇਲ। ਮੂਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ, ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 'ਚ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਭਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਜਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਦਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਮਹਿਮਾ। ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਜਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਇਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜੇ ਦਿਲ ਨਾਦਾਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਰੋਜ਼ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਨ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਦਾਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਨਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਜਨਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭੁੱਲ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਨਾਦਾਨ, ਕਿਤਨਾ ਨਾਦਾਨ, ਜਨਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਧਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਇਹ ਨਾਦਾਨ ਦਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਦਮੀ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ। ਇਸ ਜਨ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਨ ਇਸਤਰੀ। ਪਦਰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਪਦਰ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇਦਰ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪੀਟਰ ਪੇਦਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਟਰ ਪਿਤਾ ਔਰ ਪੇਦਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ, ਬੜੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਤ 'ਚ ਹੈ ਪਦਰ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਇਲਾਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ, ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨੀ, ਦਸਤ ਹੱਥ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਏਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ।
सारिया तो बेसहारा होके जे तू उस एक दा सहारा पकड़ना है तो शुरू तो पहले ही उसका सहारा पकड़ ले, कभी बेआसरा होवेंगे ही नहीं, बेसहारा होवेंगे ही नहीं। बेसहारा होके उसका की आसरा पकड़ना, पहले ही उसका सहारा पकड़। नहीं रही मां ते कोई गल नहीं तेरा सहारा बनया है, नहीं रहा पिता ते ना सही सहारा तेरा बनया है, क्योंकि पिता अज है कल नहीं हो सकता, वह सदीवी है, वह हक्का है, ते सच है, वह ते सदीवी है। जो सदीवी है और सदा संग है उन्हों मनुख सहारा नहीं बनांदा, ते जो सदा संग भी नहीं ते सदीवी नहीं उन्हां दे सहारे बनांदा है। इसे नूं गुरु अर्जन देव जी कहिंदे ने मौनक की टेक बिरथी सब जान। वो मनुख चाहे कोई भी है, देवन को एक है भगवान। महाराज कहते किसी ने तेरी बाह नहीं पकड़नी, किसी ने तेरा सहारा नहीं बनना। हाँ जी, पर जब इसथों गफन रुखसत होवेगा ते तकबीर जनाजे दी नमाज जो कब्रिस्तान ते पढ़ देना, फातिया पढ़ के नमाज पढ़ते हैं, उन्हों जिमें साढ़े वापस आके या शमशान घाट से कीर्तन सवेला पढ़ते हैं, ये तकबीर जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। आखिर सारे ये जो तेरी स्त्री, ये पुत्र, ये बिरा, ये दोस्त, ये जनाजे की जमा वत तो वत जनाजे की जो है नमाज पढ़ के आ जाएंगे, बस इन्ना ही करेंगे। कीर्तन सवेला ही पढ़ के आएंगे और कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तेरा सहारा तेरे आमाल बनेंगे, तेरा सहारा तेरा जपया हुआ नाम बनेगा, तेरा सहारा वही बनेगा जो सारियां दा सहारा है, बशर्ते तू पकड़े होवे ओदा दामन पकड़े होवे। भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने दस्तगरदारी बिरो दामा ने जामा रा बगीर, हैं तेरे कोल हथ ओदा दामन पकड़ ले जिदा दामन कदी हथों छुटदा ही नहीं, छुटदा ही नहीं। सदेवी सहारा दस्तगरदारी बिरो दामा ने जामा रा बगीर। तो साहब कहंदे ने आखरे जनाजे दी नमाज पढ़ के सारे वापस आ जाणगे, अगे आगे हंस अकेला अगे ते तू कल्ले ही जाणा। हां जी, अरजोई हे प्रभु दिन ते रात माड़े ख्यालां च मेरा मन रहिंदा है, ते सिर्फ ख्यालां च नहीं विचारां च नहीं, कदी कदी उन्हां नूं कृत भी दे देंदे आं, बदियां भी करदे आं, कदी कदी बदियां बारे मन सोचदा रहिंदा है हे प्रभु, कदियां कदी ये तन बदियां कर बैठदा। एक नुक्ता चेते रखना, चोर दे विचारां दे चोरी हर वक्त आउंदी है, कृत दे उदों प्रगट होंदी है जदों उसनों मौका मिल जाए। कठोरता कठोर मनुख दे विचारां च हर वक्त आउंदी है, प्रगट उदों आउंदी है जद मौका मिल जाए। दुराचार दुराचारी दे विचारां च हर वक्त आउंदा है, पर दुराचार करन दे सफल उत्थे आउंदा है जिथे उसनों मौका मिल जाए, वक्त मिल जाए। इसी तरीके नाल सदाचार रहम दे लई, भाईचारा मिठास ते दया संत दे अंदर हर वक्त आउंदी है, कृत दे च उदों प्रगट आउंदी है जिथे लोड़ पै जाए। बे इत्थे हुण दया नूं कृत देनी है, लोड़ पै गई है। वो जो विचारां च दया चल रही सी हुण सिर्फ विचारां च ना चले, उन्हों कृत देनी है, कुछ करना है। संत दे विचारां च दया ते हर वक्त चलदी है, कृत दे च उदों प्रगट आउंदी है जिथे लोड़ पै जाए। दूसरा नुकता ध्यान नाल सुनना, चोर दे विचारां च चोरी ते हर वक्त चलदी है, कृत दे च उदों प्रगट आउंदी है जिथे मौका मिल जाए। कठोर दे विचारां च कठोरता ते हर वक्त चलदी है, कृत दे च उदों प्रगट आउंदी है जिथे मौका मिल जाए।
संत दे विचार है जो दया ते हर वक्त चलती है, रहम दिली ते हर वक्त चलती है, विशालता ते हर वक्त चलती है, पुन ते हर वक्त चलता है, सदाचार ते हर वक्त चलता है, पर कृत दे च उदों प्रगट होंदा है, तन दे तल ते उदों प्रगट होंदा है जिथे लोड़ पै जाए, जिथे देखदा हां इथे लोड़ है। साहिब कहिंदे दिन रात विचारां दे च ख्यालां दे च बदी बदी कदी कदी कृत दे च भी प्रगट हो जांदी है, हे प्रभु मैं ऐसा हाँ, मेरा मन ऐसा है, मेरा तन ऐसा है, परमात्मा दे अगों अपने गुण नहीं रखे जा रहे, अरदास दे च जोदड़ी च औगुण रखे जा रहे। हां जी, गाहे नामे की कार करदम मामकी अहवा, नेकियां नूं ते मैं पकड़न दी कोशिश नहीं करदा, हे प्रभु मेरा हाल की होना है, मेरी दशा की होनी है, मेरे नाल तू की फैसला करेगा, थर हर कंपे बाला जियो, ना जाना क्या करसी पियो, क्योंकि नेकियां नूं ते मैं पकड़न दी कोशिश नहीं करदा, उन्हां दे उत्ते मैं हाथ ही नहीं पांदा, हे प्रभु पता नहीं, हे खुदा पता नहीं मेरा की हाल होना। हां जी, आखरी पंक्तियां, बदबख्त हम चू बखील गाफल बे नजर बे बाक, नानक भगोयत जन तुरा तेरे चा करा पाखा, बदबख्त हे प्रभु मैं चंगी किस्मत वाला भी नहीं हां। एक नुक्ता बयान करके मैं समाप्ति करा। सिख साधी साहब कहिंदे ने बदबख्त कौन है, कहिंदा मैं नजूमी ते नहीं हां, ज्योतिषी ते नहीं हां, पर मैं दस सकदा बदबख्त कौन है। गर इंसाफ पुरसे बद बख्त कस अस्त, केड़ा मनुख बदकिस्मत है बदबख्त है, कि दर राह तश रंज दीगर कर कस अस्त, जो दूजे दे नुकसान विच नफा देखता है, जो दूजे दी बेइज्जती विच इज्जत लभदा है, जो दूजे दी टेंदी कला च चढ़दी कला लगता है, जो दूजियां दे रोने विच हासे लभदा है। शेख सादी साहब कहिंदे दुनिया दा बदबख्त बंदा है कदी हस नहीं सकेगा, क्यों दूजियां दे रोने विच हासे लभदा है, कदी नफा नहीं होवेगा, क्यों दूजियां दे नुकसान विच नफा लभदा है। कहिंदा मैं ज्योतिषी नहीं हां, मैं नजूमी नहीं हां, पर मैं कह सकदा, ऐसो वास्ते गुरबाणी दा फैसला, पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत, सतगुरु थे कह रहे मैं चंगी किस्मत वाला नहीं हूं, बदबख्त बदबख्त हम चू बखील गाफल, फिर मैं चुगलखोर भी हाँ, गल वधा के बयान करदा, जर्रे नू पहाड़ बनाना, बुराई ते जर्रा मात्र सी पहाड़ दसदा, बखील भी हाँ चुगलखोर भी हाँ, बदबख्त हम चू बखील गाफल, हे प्रभु मैं गाफल भी हाँ, अचेत भी हाँ, सुचेत भी नहीं हां, सावधान भी नहीं हां, स्याणा भी नहीं हां, बदबख्त हम चू बखील गाफल, बेनजर बेबाक, तैनू वेख सकां हे प्रभु मेरे को अखां भी कोई नहीं, बेनजर हां, अंधे नू बेनजर कहिंदे ने, मेरे को नजरां कोई नहीं, अखां भी कोई नहीं, बेबाक, दूसरा मैं मुंह फट बड़ा, जो मुंह चाहती है कह देना, ये नहीं देखता मौका की है, महल की है, वातावरण की है, समाज की है, और टिकाणा की है, देखदा ही नहीं, बेबाक हाँ, जबान काबू च नहीं, बेबाक हाँ। आखिरी पंक्ति दे सतगुरु देव जी महाराज जो कुछ कहिंदे ने, नानक भगोयत जन तुरा तेरे चाकरां पाखा, नानक दी अरजोई तू नहीं मिलदा ते ना सही, तेरे दर्शन नहीं ते ना सही, जो तेरे मार्ग ते चल देन तेरे चाकर ने उना दी खाक बना दे, उन्हां दी राख बना दे, उन्हां दे चरणां दी धूड़ बना दे, उन्हां दे कदमां दी खाक बना दे, तू नहीं मिलदा ते ना सिख।